सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइट में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। विधानसभा चुनाव 2024, श्रीनगर रैली में गरजे राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का किया वादा। राजनाथ सिंह बोले, आज देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान। महाराष्ट्र के अमरावती में बस की नदी में गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल। सोमानी में बिजली गिरने से 8 की मौत, मरने वालों में 6 स्कूली बच्चे शामिल, सीएम ने किया मदद का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्सनल डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना गंभीर अपराध। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। चमोली में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड, यातायात बाधित। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाल और ऋषिकेश में किया विकास कार्यों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में ट्यूशन टीचर 4 साल से कर रहा था नाबालिग छात्रा का रेप, अश्लील फोटो से करता था ब्लैकमेल। दून अस्पताल के टॉयलेट में मिला नवजात का शव, प्रशासन ने हॉस्पिटल से शिशु के गायब होने से किया इनकार। जाते मानसून के साथ जोर पकड़ने वाली गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा, रविवार को पहुंचे 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।